दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक अलग ही स्टेशन, एक अलग ही जगह हम लोग आए हैं। आए थे इधर ही जो है कुछ काम से, और जो है मैं आपको यहाँ का जो है एक स्टेशन है जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। अगर मैं आपको पहले थोड़ा सा बैक कैमरे को यहाँ इधर दिखा दूँ तो आपको तो अभी पता नहीं चल पा रहा होगा कि ये कौन सा स्टेशन है। तो ये देख सकते हैं, ये है स्टेशन यहाँ पर जो है, ये है शिवपुर स्टेशन जो कि ये बनारस से आगे पड़ता है, बनारस से वेस्ट साइड में। आपको पता होगा ये छोटा सा स्टेशन है, पहले ऐसा इसका जो है लुक नहीं था। अगर मैं आपको पूरा यहाँ पे दिखाऊं, आगे बढ़कर मैं भी आपको दिखाऊंगा पूरा, पहले जो है प्लेटफार्म ऐसा नहीं था, सब कुछ मैं आप डिटेल में। तो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, आपको मैं आगे दिखाता हूँ आगे का सीन कैसा है कैसा नहीं है, यहाँ का प्लेटफार्म जो है कैसा बना है। पहले यहाँ पर जो है ऐसा नहीं था, तो इस टाइम जो है बहुत ही अच्छा जो है बना दिया गया है। और यहाँ पर एक और भी जो है ट्रैक जो है बिछाया जा रहा है आगे की तरफ, मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा आगे जो है, तो वहाँ पे जाकर भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, पूरा मैं आपको सीन दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे हम आए थे थोड़ा बनारस कुछ काम था, तो यहीं हम जो है रुके हुए हैं, तो पूरा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का। तो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, ब्लॉग में बने रहिए, यहाँ का देख सकते हैं पूरा, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अभी जो है सिग्नल ग्रीन है, एक ट्रेन भी आ रही है सामने से, पता नहीं कौन सी ट्रेन है। तो कंटिन्यू करते हैं, ब्लॉग में बने रहिए। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रेन भी जो है क्रॉस कर रही है। यहाँ पे ट्रेन जो है क्रॉस करके निकल गई, और इधर से ये जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 है ना ये शायद, तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है जो है। यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा में है आगे से, उधर से देख सकते हैं उधर से है, बहुत ज़्यादा दूर तक है। और प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 है आई थिंक, तो उस पर भी हम लोग जाकर दिखाएँगे पूरा मैं आपको। ये 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा, 1 किलोमीटर लगभग इसका दूरी होगा। तो आगे चलते हैं, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिए, पूरा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और साथ में देख सकते हैं अंकल का लड़का है, साथ में आया है, तो सोचा कि सुबह सुबह का टाइम है जो है टहल लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अभी टाइम हो रहा है 8:30 के करीब हो रहा है। मेरे भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। हाँ, इसका भी एक चैनल है, मैं आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा हो सके तो। उतना रेगुलर नहीं रहता, अच्छे से काम नहीं करता है, मोबाइल टूटने की वजह से अभी थोड़ा, मोबाइल अभी टूट गया है इसका। तो ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सोचा कि मैं आपको यहाँ का भी जो है इसे सीन मैं आपको दिखा दूँ, बाकी आप लोग देखते ही होंगे जमानिया, दिल्ला नगर, भदौरा, हर जगह का स्टेशन मैं आपको दिखाया हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाता हूँ, उस पर भी प्लेटफॉर्म पर भी जाकर मैं आपको दिखाऊँगा, इधर भी पूरा मैं आपको दिखाऊँगा, बाहर निकल कर भी दिखाऊँगा कि बाहर कहाँ से जाना है कैसे नहीं जाना है। तो कंटिन्यू करते हैं, ब्लॉग में बने रहिए। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं रेड सिग्नल, अभी ट्रेन कोई भी नहीं आ रही है। ये हमें 2-3 नंबर प्लेटफॉर्म पे है, यहाँ पे शिवपुर का जो है नया बोर्ड लगा है, पहले ये सब ऐसे नहीं था, अभी फ़िलहाल में जो है बना है। यहाँ पे देख सकते हैं इधर लोको खड़ा है, इधर हमेशा एनी टाइम जो है ट्रेन जो है खड़ी रहती है। ये काफ़ी अच्छा बना दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं अभी सुबह का टाइम है थोड़ा, इसीलिए कोई यात्री नहीं है। अभी ट्रेन का टाइम होगा जैसे जैसे वैसे वैसे सब जो है यात्री आएंगे ट्रेन पकड़ने के लिए। यहाँ पे देखिए ये बहुत ही अच्छा जो है बना दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं बैठने के लिए यात्रियों के लिए। अभी आई थिंक लग रहा है फाटक बंद हो रहा है, फिर से कोई सिग्नल ग्रीन होने वाला है, यानी ट्रेन आने वाली है। काफ़ी अच्छा बना दिया गया है यहाँ का शिवपुर स्टेशन का, आप लोग देख लीजिए। और भी मैं जाऊंगा तो अलग अलग जगह का जो है मैं आपको दिखाऊंगा, हर एक स्टेशन जो है कवर करूंगा मैं अपने चैनल पे, क्योंकि अगर मैं स्टेशन पे स्टेशन का जो है वीडियो अगर रिकॉर्ड करता हूं तो आप लोग बहुत ज़्यादा ही आप लोग देखते हो, सपोर्ट करते हो मेरे को, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आगे चलते हैं ओवर ब्रिज के पास, अभी वेट कर रहे हो क्या ट्रेन का? अभी कोई ट्रेन नहीं मिलेगी। ट्रेन का वेट करूँ कैसे, वेट करूँ बताइए, अभी तो टाइम नहीं हुआ है, ट्रेन का 10 मिनट तक टाइमिंग होगा। हाँ दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छा जो है बना दिया गया है बैठने वाला यहाँ पे सारा चीज़। और ये जो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये जो सब बनाया गया है आपको
ये खाना खाना टाइप का, इसमें जो है नट बोल्ट का जो है ग्रिप लगाया गया है। यहाँ से जो है एक ओवर ब्रिज बनने वाला है, यहाँ से बनेगा। जैसे वहाँ पे अगर आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं तो आगे जो है एक ओवर ब्रिज आपको वहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे भी जो है एक इधर से जो है सीढ़ी बन के ऊपर से ओवर ब्रिज बन के आपको उस साइड भी वहाँ पे दिख रहा है। खाना खाना जो है बनाया गया है वहाँ पे, पूरा जो है बना दिया गया है, देख सकते हैं। तो आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ ओवर ब्रिज पर जाके। तो चले ऊपर चैनल में बने रहिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ये है पूरा शिवपुरी स्टेशन जो कि बनारस से आगे पड़ता है। ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ट्री लग रहा है, ये है मनी प्लांट ट्री। अच्छा लुक है यहाँ का। पहले दोस्तों ये ऐसे नहीं था, ये जो प्लेटफॉर्म तो यहाँ पे तो बना ही नहीं था। देख सकते हैं आपको, खुद आपको देख कर समझ में आ रहा होगा कि ये नया बना है। अभी कितना टाइम हो गया इसको बने हुए? लगभग छः महीने हो गए। छः महीने से ज़्यादा ही हो रहे होंगे। हाँ, तो छः महीने से ज़्यादा हो गए हैं इस प्लेटफॉर्म को बने हुए। और जो है उधर का जो है प्लेटफॉर्म था तो वहाँ पे देख सकते हैं आधा अधूरा था। वो भी जो ईंट आते हैं ना, जो ग्रिपिंग वाली लॉक वाला ईंट, उस पर वो बिछाया गया था। इधर तो बिल्कुल प्लेटफॉर्म ही नहीं था, देख सकते हैं, जो कि अभी नया बना है। और ये है ओवर ब्रिज, ओवर ब्रिज तो वही है पुराना वाला। इसको हटाकर दूसरा लगेगा। हाँ, ये भी हटेगा। जैसे उधर जो बनाया गया है ये तो सिर्फ काम चलाने के लिए बनाया गया था, उस पार से इस पार आने के लिए। हाँ, अभी टूट रहा है, ये देख सकते हैं नीचे चला गया है, ये नीचे तक था, देख सकते हैं। तो चलते हैं ओवर ब्रिज पर, चलें क्या थोड़ा सा आगे से रिकॉर्ड कर लें क्या? फाटक ले लिया गया। हाँ, तो आगे चलते हैं, आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ, बने रहिए, कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक जो है ट्रेन जो इधर से आ रही है। ये यहाँ पे ये जो ट्रेन है ये माल गाड़ी है, माल सप्लाई होता है। तो किधर चले? आगे चले। तो आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग आगे जो है जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत लंबा प्लेटफार्म है जो कि अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। ये पुराना वाला था ना ये जो है? नहीं, ये जो है कि ये नया वाला है और अच्छा, वो पुराना वाला है। वो देख सकते हैं शिवपुर लिखा हुआ है। वहाँ पे लिखा हुआ है शिवपुर, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो बस यही था जो कि मैं आपको शिवपुर स्टेशन का जो है सीन दिखाने वाला था, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ब्लॉग को आगे जाकर इन कर देंगे, देख सकते हैं। वहाँ से चलेंगे तो वहाँ से शिवपुर फाटक भी दिखेगा। हाँ, आगे आगे जो है फाटक भी है, आगे फाटक। यहाँ पे बहुत ही अच्छा शौचालय बन गया है, पहले शौचालय वौचालय नहीं था, ये देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, देख सकते हैं पीछे बहुत ही इसमें अच्छा अच्छा जो है बहुत ही बढ़िया बढ़िया जो है ट्री लगाया गया है। पीछे से जो है ट्रेन भी आ रही है जो कि मालगाड़ी है। बैठेंगे यहाँ पे भाई, चलते चलते थक गए हम लोग, बहुत थकावट हो गई। 1 किलोमीटर से बेसी रेंज इसका है मेरे प्लेटफॉर्म का। ये इनका प्लेटफॉर्म है जी। हाँ, इनका देखो, इनका प्लेटफॉर्म है। अभी देख सकते हैं ऐसे आ रही है। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा, अभी देख सकते हैं। वेग 9 इंजन है। इधर
इधर गेहूं का रेख लगा है। इधर क्या है? ये गेहूं का रेख लगा है। अच्छा, गेहूं है इसमें? गेहूं, चावल, अन्य अन्य आते रहते हैं। चावल भी आया है इसमें, जो है सब राशन जो है उतर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये सब मालगाड़ी से चावल गेहूँ सब यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट होता है इधर से, ट्रक से। और ये हम आ गए स्टेशन के लास्ट किनारे पे, वेस्ट साइड, ईस्ट से वेस्ट साइड में। यहाँ से अब हम ले लेंगे एक अच्छा सा थंबनेल। क्या थंबनेल? और उसके बाद यहाँ से सीपुर फाटक बहुत ही दूर नहीं है, 10 कदम पे सीपुर फाटक है। अच्छा, इतना बड़ा मेरा रेलवे स्टेशन। हाँ, एक मिनट अब रुका जाए, थोड़ा सा थंबनेल ले ले हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, आगे जो है शिवपुर रेलवे फाटक है। अभी हम लोग जो है प्लेटफॉर्म पे ही हैं, देख सकते हैं जो है लास्ट किनारा आ चुका है। ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा दूर है आगे। अगर मैं आपको यहाँ से जूम करके अगर दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा क्लियरिटी तो नहीं आ रही भाई, कैमरा तो मैं घर पर ही भूल गया, कुछ काम था इसीलिए हम लोग आ गए यहाँ पर। फिर भी मैं आपको जूम कर दिया हूँ, लेकिन सही आपको क्वालिटी नहीं मिल रहा है जूम करने पर। देख सकते हैं फाटक है, सिग्नल अभी रेड है, तो जूम आउट मैं कर देता हूँ। ये फाटक है, आगे कैमरा रहता तो आपको क्वालिटी ऐसा नहीं मिलता, अच्छा ही मिलता आपको। तो इधर से अगर मैं आपको बैक करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जो है स्टेशन है। ये साइड में जो है मालगाड़ी लगी है, जो कि इसमें जो है अनाज, गेहूँ, नमक सब कुछ आता है, इधर ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ से शिवपुरी स्टेशन से। यहाँ पर पूरा शिवपुरी स्टेशन का आपको मैं लुक दिखा ही दिया, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत दूर है यहाँ से। हाँ, बहुत दूरी में है इस प्लेटफॉर्म इसका। तो दोस्तों हम लोग अभी जो है शिवपुरी स्टेशन से जो है अभी बाहर साइड में हम निकल रहे हैं। बाहर का सीन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यहीं से जाना है क्या? हाँ, हाँ। तो यहीं से हम जो है बाहर जाने वाले हैं। देख सकते हैं बाहर जो है काम चल रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं बाहर, ये सब प्लेटफॉर्म का ही है क्या? सब सामान सब ये प्लेटफॉर्म का जो है यहाँ पे सब सामान रखा है, जो भी लगता है उसमें सब पाइप वाइप सब वगैरह, यहाँ पे वायर केबल है। तो ये सब काम अभी चालू है यहाँ का। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये सब जो है काम चालू है। ये पुराना पानी टंकी है। अच्छा, ये पुराना पानी टंकी है ये वाला। तो इधर से मैं आपको दिखाऊं, अगर यहाँ पे देख सकते हैं ये शिवपुरी स्टेशन, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये हम लोग बाहर के साइड में आ चुके हैं। यहाँ से अभी हम लोग बाहर निकले हैं। हाँ, यहाँ से अभी तो हम वीडियो को यहीं पिन करेंगे ब्लॉग को। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ सारा भी काम चल रहा है। तो ब्लॉग को हम लोग यहीं पिन